लगा। प्राचीन सांस्कृतिक विरासत और गौरवशाली इतिहास को अपने समेटे वीरों की भूमि उत्तर प्रदेश डबल इंजन सरकार के नेतृत्व में तेजी से विकास और उन्नति की ओर अग्रसर है। विकास को और रफ्तार देने के लिए हमारे दूरदर्शी केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने उत्तर प्रदेश में कई अत्याधुनिक राजमार्गों की सौगात दी है, जिसे राज्य के कर्मठ और जनप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने तेजी से धरातल पर उतारा है। आज वीरों की भूमि बुंदेलखंड में 3500 करोड़ रुपए की लागत से 9 महत्वपूर्ण राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया जा रहा है। आज लोकार्पित होने वाली परियोजना है झांसी खजुराहो खंड पर 1400 करोड़ रुपए की लागत से 4 लेन का निर्माण कार्य। इससे मैहर सिंगरौली रांची औद्योगिक गलियारे और पर्यटन तीर्थ स्थलों जैसे झांसी ओरछा खजुराहो पन्ना टाइगर रिजर्व को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे पर्यटन बढ़ेगा और रोजगार के नए अवसर बनेंगे। साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 के माध्यम से ये नई दिल्ली को सीधा कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। आज शिलान्यास होने वाली परियोजनाएं है 1700 करोड़ रुपए की लागत से भोपाल कानपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर पर मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश सीमा से कबरई खंड तक का 4 लेन का निर्माण कार्य। कुछ महीने पहले इसी इकोनॉमिक कॉरिडोर पर मोहाली से मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश सीमा तक 4 लेन परियोजना का शिलान्यास माननीय श्री नितिन गडकरी जी द्वारा किया गया था। इन परियोजनाओं के पूर्ण होने से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, उत्तर प्रदेश का आर्थिक शहर कानपुर एवं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के बीच सीधा संपर्क बनेगा, जिससे पर्यटकों को खजुराहो और पन्ना टाइगर रिजर्व तथा श्रद्धालुओं को मैहर एवं ओरछा तक पहुंचने में आसानी होगी। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 झांसी ललितपुर खंड के कैरबुआ चौराहा पर अंडरपास और सर्विस रोड, राष्ट्रीय राजमार्ग 27 एवं 44 के जंक्शन पर इंटरचेंज तथा झांसी प्रयागराज के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 76 पर किनारी सुपा और खैराना में 3 रोड ओवर ब्रिज के निर्माण कार्य से बुंदेलखंड क्षेत्र में यातायात सुगम होगा और श्रद्धालुओं को चित्रकूट धाम पहुँचने में निर्बाध कनेक्टिविटी मिलेगी। राष्ट्रीय राजमार्ग 27 झांसी कानपुर खंड पर मेडिकल तिराहे से कोछा भावर तक फ्लाई ओवर का शिलान्यास और इसी मार्ग पर बुलारा गांव में वेसाइड अमेनिटीज का आज लोकार्पण किया जा रहा है। यहां यात्रियों की सुविधा के लिए वाहन पार्किंग, शौचालय, विश्राम गृह, ढाबे और रेस्टोरेंट, फ्यूल स्टेशन आदि की सुविधाएं होंगी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शिता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सकारात्मक प्रयासों और नितिन गडकरी जी के विजनरी नेतृत्व से उत्तर प्रदेश आज हाईवे निर्माण में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। हर वर्ग जाति धर्म और आदि के हमारे सभी कठिनाई बंधों के सभी व्यक्तियों की कठिनाइयों परेशानियों को अपने लगन परिश्रम और कुशल नेतृत्व और साथ ही साथ सकारात्मक के माध्यम से उसका निराकरण करने वाले और सभी हमारे भारत के मानसिक पर उत्तर प्रदेश का मान और गौरव बढ़ाने वाले हमारे यशस्वी परमागंधी चल के माननीय मुख्यमंत्री जी को सबसे समर्थन करते हुए आदर मंत्र करते हुए अनुरोध करते हुए अपने उद्बोधन में हम सभी को अंतर एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन का मन पर जोरदार लगातार भारत माता की भारत माता की भारत माता की वंदे 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 बुंदेलखंड की 9 प्रमुख योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम के लिए वीर भूमि महोबा में उपस्थित भारत सरकार के सड़क परिवहन
राजमार्ग मंत्रालय के माननीय मंत्री आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री श्री रामकेश निषाद जी, लोकप्रिय सांसद कुंवर पुष्पेंद्र चंदेल जी, माननीय सांसद झांसी चंद्रराज शर्मा जी, माननीय सांसद बांदा चित्रकूट बिहार के सतीन पटेल जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री जितेंद्र सिंह सेंगर जी, माननीय विधायक श्री बृजभूषण राजपूत जी, राकेश कुमार गोस्वामी जी, बाबूलाल तिवारी जी, श्री प्रकाश द्विवेदी जी, श्री रवि शर्मा जी, श्रीमती ओममणि वर्मा जी, आज के इस कार्यक्रम में एनएचआई के सभी अधिकारीगण, महोबा और बुंदेलखंड के अलग अलग जनपदों से यहां पर उपस्थित हमारे बुंदेलखंड के सभी उपस्थित भाइयों बहनों, वीरभूमि बुंदेलखंड में मैं भारत सरकार के लोकप्रिय और यशस्वी मंत्री जिन्होंने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर कार्य प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप एक नई पहचान दी है आदरणीय नितिन गडकरी जी का, आप सबकी ओर से प्रदेश की जनता जनार्दन की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। ये वास्तव में महत संजोग नहीं, ये ईश्वरीय कृपा है। आज दोपहर में आदरणीय गडकरी जी का सानिध्य पूर्वी उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ। पूर्वी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में बाबा गोरखनाथ की पावन साधना स्थली में बलरामपुर, सिद्धार्थ नगर, महाराजगंज, बस्ती, संत कबीर नगर, कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर, इन सभी जनपदों से जुड़ी हुई 10,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम आज वहां पर संपन्न हुआ। और महोबा भी तो बाबा गोरखनाथ की ही पावन साधना स्थली है। वीर आला और उदल की भूमि है और मुझे बताया गया कि गोरखगिरी में अब तो पर्यटकों की संख्या पहले की तुलना में 3 गुना से अधिक बढ़ चुकी है और जब रोपवे बन जाएगा तो ये और आगे बढ़ जाएगा। अभी वहां पे लाइट एंड साउंड का कार्यक्रम चल रहा है और भी सुविधाएं वहां बढ़ेंगे। लेकिन भाइयों बहनों, ये संजोग है कि विकास की अपनी आधुनिक सोच के साथ आदरणीय गडकरी जी ने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में बदल करके देश की अर्थव्यवस्था की रफ्तार को देश के दुनिया के अंदर सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के लिए जो योगदान दिया है वो अविस्मरणीय है और अभिनंदनीय भी है। और इस अवसर पर जब बुंदेलखंड को ये उपहार मिल रहा है तो सचमुच हर बुंदेलखंडवासी इसके लिए आह्लादित है। ये 9 बड़ी परियोजनाएं हैं जिनमें 3500 करोड़ रुपए की लागत या तो उनपे खर्च हो चुका है या फिर खर्च होने वाला है। आप देख सकते हैं जब कनेक्टिविटी बेहतर होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर का योगदान विकास के लिए वैसे ही होता है जैसे हमारे शरीर के लिए हड्डियों के ढांचे का होता है। आप सोच सकते हैं अगर हमारे शरीर में हड्डियां नहीं होती तो शरीर की क्या स्थिति होती, वह स्थिति विकास के लिए होती है। और विकास को द्रुत गति से आगे बढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जिस बड़ी भूमिका के साथ आगे बढ़ रहा है वह अभिनंदनीय है। आज हमारा बुंदेलखंड बहुत आगे बढ़ चुका है।
आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विकास के विजन को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए जो कार्य हुआ है। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पूरे बुंदेलखंड की एक लाइफलाइन बन चुकी है। बुंदेलखंड में हर घर नल की योजना आज साकार रूप ले रही है। बुंदेलखंड में डिफेंस कॉरिडोर एक नए सिरे से दुश्मन को दहलाने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। और यही नहीं, अभी तो इस बार के उत्तर प्रदेश शासन के बजट में भी हमने बहुत कुछ दिया है। झांसी के लिए एक औद्योगिक डेवलपमेंट अथॉरिटी के निर्माण के लिए 6,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था हमने केवल झांसी के लिए की है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस हाईवे को झांसी तक ले जाने की भी तैयारी कर ली है, उसके लिए भी पैसे की व्यवस्था की है। और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को चित्रकूट तक पहुंचाने का काम भी हम लोग करने जा रहे हैं। और बांदा से चित्रकूट के बीच में भी हम लोग एक नए औद्योगिक डेवलपमेंट अथॉरिटी के निर्माण की कार्रवाई को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेस हाईवे पर 2 नए औद्योगिक क्लस्टर विकसित करने के लिए भी धनराशि की व्यवस्था हम लोगों ने की है। इसका मतलब अब हमारे बुंदेलखंड के युवाओं को नौकरी और रोजगार के लिए बुंदेलखंड के बाहर नहीं जाना पड़ेगा। बुंदेलखंड में जो उद्योग लगेंगे, दुनिया नौकरी करने के लिए बुंदेलखंड में आएगी और बुंदेलखंड के नौजवानों को तो खैर यहां पर नौकरी और रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। उस रोजगार और नौकरी की संभावना को आगे बढ़ाने के लिए ही ये इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर के आज आदरणीय गडकरी जी आपके बीच में आए हैं। भाइयों बहनों, हमें विकास को हमेशा प्राथमिकता देनी चाहिए। जो लोग विभाजन की राजनीति करते हैं वे लोग सचमुच देश के विकास को बाधित करते हैं, युवाओं के सपने को धूल दूषित करते हैं, अन्नदाता किसानों के उत्थान में बाधक बनते हैं, माताओं और बहनों के विकास को अवरुद्ध करते हैं। हमें इस प्रकार की नकारात्मक सोच को दरकिनार करते हुए विकास की सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना है। और आज इसके लिए बुंदेलखंड को 3500 करोड़ रुपए की 9 परियोजनाओं की सौगात देने के लिए आदरणीय गडकरी जी का यहां आगमन हुआ है। अभी पिछले दिनों आदरणीय गडकरी जी ओरछा में भी आए थे। ये पहली बार हुआ है जब कोई केंद्रीय मंत्री एक महीने के दौरान 2 बार बुंदेलखंड का दौरा कर रहा हो। और ये गडकरी जी ने साबित कर दिया है। उत्तर प्रदेश को दृष्टि अगर आप देखेंगे तो गडकरी जी का एक महीने के अंदर 4th दौरा है। ये 4th दौरे के कारण आज उनका मैं एक बार फिर से बुंदेलखंड की धरती पर स्वागत करता हूं। ओरछा के कार्यक्रम में मुझे भी शामिल होना था, लेकिन उस समय ये बाबूलाल तिवारी जी हमारे MLC का चुनाव लड़े थे। इनके चुनाव के आचार संहिता के नाते बुंदेलखंड में आचार संहिता लागू थी, हम लोग उस समय उसमें कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए। मैं आभारी हूं आदरणीय गडकरी जी का कि उन्होंने कहा कि नहीं, यूपी के बुंदेलखंड के लिए अलग से कार्यक्रम देंगे और उसके लिए महोबा को चुना। वीरभूमि में आज विकास एक नई रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है। यहां पर तमाम कार्यक्रम अर्जुन सहायक परियोजना के साथ साथ तमाम अन्य शुद्ध सिंचाई की बड़ी बड़ी परियोजनाएं आज कार्य रूप ली हैं। और खासतौर पर इन योजनाओं में जहां पर आज वे तमाम योजनाएं यहां के लोगों की भावनाओं के अनुरूप यहां पर सिंचाई के लिए भी और पेयजल के लिए भी उत्तम व्यवस्था देने जा रहे हैं। अर्जुन सागर परियोजना, उर्मिल बांध परियोजना, कबरई बांध परियोजना, लहचुरा बांध परियोजना, ये सभी परियोजनाएं बुंदेलखंड के किसानों के खेत में पानी पहुंचाने का कार्य करेंगी ही, शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने का कार्य भी बुंदेलखंड के अंदर करेंगे। और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट ने तो अकेले बुंदेलखंड के लिए 4,30,000 करोड़ रुपए के MOU अकेले बुंदेलखंड के लिए हुए हैं, बुंदेलखंड में निवेश के लिए। और महोबा में अकेले महोबा के लिए 24,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। कोई सोचता था बुंदेलखंड में निवेश होगा, लेकिन भाइयों बहनों, ये इंफ्रास्ट्रक्चर
और बेहतर कानून व्यवस्था की स्थिति आज आपको विकास की एक नई ऊंचाई की ओर पहुंचा रहा है। मैं इस अवसर पर आप सबकी ओर से, पूरे प्रदेशवासियों की ओर से आदरणीय गडकरी जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी, मंच पर उपस्थित मेरे पार्लियामेंट के सहयोगी कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल, अनुराग शर्मा जी, आर के पटेल जी, हमारे मंत्री उत्तर प्रदेश के रामकेश निषाद जी, मंच पर उपस्थित सभी विधायकगण और उपस्थित सभी भाई और बहनों, मुझे बहुत खुशी है कि बुंदेलखंड की ऐतिहासिक भूमि में महोबा में आने का मौका मुझे मिला। पिछले बार जब कार्यक्रम हुआ था तब हमारा यही प्रयास था कि आदरणीय योगी जी और शिवराज सिंह चौहान जी दोनों के उपस्थिति में हम बुंदेलखंड में भव्य कार्यक्रम करेंगे, पर आचार संहिता के कारण स्वाभाविक रूप से योगी जी आ नहीं पाए। तब अनुराग शर्मा जी ने मुझे कहा था कि हमारा कार्यक्रम रहा है, मैंने उनको वचन दिया कि मैं एक महीने के अंदर फिर से एक बार उत्तर प्रदेश में योगी जी के साथ आऊंगा, और आज मैं महोबा में आया हूं, इस बात का मुझे समाधान है। बुंदेलखंड और महाराष्ट्र का बहुत पुराना रिश्ता रहा है। हमारे सबके जीवन में बचपन से छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे जीवन के आदर्श हैं, और स्वाभाविक रूप से उनका वर्णन किया गया था, यशवंत कीर्तिवंत वरदवंत सामर्थ्यवंत जानता राजा, निश्चय का महामेरु बहुत जनासी आधारू अखंड स्थिति का निर्धारू श्रीमंत योगी। और वो छत्रपति शिवाजी महाराज और बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल महाराज, इन दोनों के बीच में बहुत घनिष्ठ मित्रता थी, और 17वीं शताब्दी में ये जो नींव है मैत्री की वो बहुत मजबूत हुई थी, वो देश के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है। ये वीरों की भूमि है और इसी भूमि पर एक इतिहास बना रहे हमारे योगी जी। मैं आज देश की जनता की तरफ से उनको धन्यवाद दूंगा कि भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में एक बात कही, वो योगी जी के काम को देखकर याद आती है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। राजा ऐसा होना चाहिए जो मां बहनों की रक्षा करने वाला चाहिए, राजा ऐसा होना चाहिए जो सज्जनों की रक्षा करने वाला चाहिए, राजा ऐसा चाहिए जो अन्याय करने वाले को उखाड़ कर फेंकने वाला चाहिए, जो दुर्जनों को और दुष्ट लोगों का संहार करने वाला चाहिए। यही भगवान श्री कृष्ण में गीता में संदेश था। योगी जी, मैं आपको देश की जनता की तरफ से धन्यवाद देता हूं कि सज्जन शक्ति की रक्षा करने के लिए, धर्म के कर्तव्य के अनुसार आचरण करते हुए, जो दुराचारी दुर्जन और दुष्ट थे, जो गरीबों का शोषण कर रहे थे, जो अन्याय और अत्याचार कर रहे थे, गलत मार्ग से अवैध संपत्ति कमा रहे थे, उनके ऊपर आपने बुलडोजर घुमाकर देश में आदर्श प्रस्तापित किया। मैं उत्तर प्रदेश की जनता तो आपके ऊपर खुशी है, मैं देश की जनता की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, और आप इसी कार्य से आगे जाएंगे तो सही में अयोध्या में राम मंदिर तो अब निर्माण हो गया है, पर देश में राम राज्य निर्माण होगा, ये मेरा विश्वास है। मुझे बहुत खुशी है कि बहुत से महत्वपूर्ण रास्ते आज हुए हैं, सबकी बात करने के लिए समय नहीं है। झांसी से खजुराहो का मार्ग 2800 करोड़ रुपए का 173 किलोमीटर चार लेन जो होने से 8 घंटे का समय लगता था, अब 2.5 से 3 घंटे में जाना होगा।
झांसी से छाती पहाड़ी तक 1410 करोड़ की लागत से 76 किलोमीटर का लोकार्पण हो रहा है। और मुझे और एक प्रार्थना योगी जी को करना है कि विशेष रूप से ये जो मार्ग है ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसी में हमने इस मार्ग में निवाड़ी जिले में निवाड़ी भाटा में 2 हेक्टेयर क्षेत्र में वेस्ट एम्यूनिटी बनाई है और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इसमें हम आपको जगह देंगे। उत्तर प्रदेश का हैंडलूम, उत्तर प्रदेश का हैंडीक्राफ्ट, उत्तर प्रदेश का वुडन वर्क, यहाँ के गांव गरीब मजदूर किसानों की जो जो कलाएं हैं उसके लिए आपको जगह उपलब्ध कराकर देंगे। आपकी उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से वहां आने वाले पर्यटकों को उत्तर प्रदेश की कला की जानकारी मिले, इसलिए भव्य पैवेलियन तैयार करिए, उसकी जगह हम आपको उत्तर प्रदेश की सरकार को देंगे, ये मैं आपको विश्वास देता हूं। मुझे बहुत खुशी हुई है कि इसके साथ साथ आज भोपाल महोबा कानपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर, आपको पता है इसकी कीमत कितनी है? 11,300 करोड़ रुपए। मुझे मालूम नहीं पर शायद ये सांसद और विधायक बैठे हैं, आपको ये सपना भी नहीं पड़ सकता कि इतना बड़ा रोड हो सकता है, क्योंकि आज तक हुआ ही नहीं। एक बार मैं उत्तर प्रदेश में अध्यक्ष था तब हम प्रचार के लिए जा रहे थे तो मेरी गाड़ी तेजी से जा रही थी, उतने में एक स्कूटर पर एक जवान छोकरा अपने पत्नी के साथ जा रहा था और जाते समय रोड में बहुत गड्ढे थे, पर वो मोटरसाइकिल पर बढ़कर पीछे पीछे मुड़कर देख रहा था तो मेरे साथ बैठे हुए नेताजी ने कहा कि देखो वो लड़का आपको देख रहा है, देखना चाहता है, इसलिए पीछे पीछे मुड़कर देख रहा है। मैंने कहा वो मुझे नहीं देख रहा है, वो बार बार अपने पत्नी को हाथ लगाकर पीछे देख रहा है कि गिर गई, है कि गिर गई। उस समय ऐसे रास्ते थे, पर मोदी जी आए, योगी जी आए, हमारी सरकार आई, अब तो ऐसे रास्ते हैं कि दिल्ली मुंबई हाईवे पर 180 किलोमीटर के स्पीड से गाड़ी दौड़ी और एक ने पानी का ग्लास अपने गाड़ी के ऊपर रखा और एक बूंद हिला नहीं, ऐसे रास्ते हमारे देश में बने। मुझे बहुत खुशी है कि ये इकोनॉमिक कॉरिडोर, जैसे अभी योगी जी ने कहा, ये कॉरिडोर एक ग्रोथ इंजिन बनेगा और निश्चित रूप से इसमें 211 किलोमीटर का काम अवार्ड हुआ है और बाकी 200 किलोमीटर का काम जून तक अवार्ड हो जाएगा। मैं और विशेष रूप से आपको बताना चाहूंगा कि योगी जी से मैंने अनुरोध किया कि इस कॉरिडोर के बाजू में हम लोग कोल्ड स्टोरेज बनाए, हम लोग फूड ग्रेन के गोडाउन बनाए, हम लॉजिस्टिक पार्क बनाए। मैंने उनको कहा कि मेरे क्षेत्र में मैंने फार्मर प्रोड्यूस कंपनी बनाई और मैं 100 कंटेनर सब्जियां हमारी कंपनी अमेरिका, कनाडा और दुबई को बेचती है और वो सब्जियां साल भर ताजी रहती है, उसको IQF टेक्नोलॉजी कहते हैं। अब 1 रुपए किलो आलू हो गया, किसानों की बहुत बड़ी समस्या, अगर स्टोरेज कैपेसिटी खड़ी होगी तो किसानों का नुकसान नहीं होगा। हमारी सरकार जो है गांव गरीब मजदूर किसान इनके कल्याण करने वाली सरकार है और मुझे खुशी है कि योगी जी उनके नेतृत्व में ये योजना बन रही है। सांसद अनुराग शर्मा जी ने मांग की थी कि झांसी के पश्चिम हिस्से में 15 किलोमीटर पुराने बायपास में ट्रैफिक बढ़ने के कारण हमने 111 करोड़ की लागत से 3 स्टोरी का इंटरचेंज बनाया रहे जिसका टेंडर अप्रैल 2023 में हो जाएगा। पहले तल में फ्लाईओवर बनेगा, दूसरे तल में एट ग्रेड जंक्शन बनाया जाएगा ग्वालियर से शिवपुरी के लिए, पहले इसमें झांसी से ग्वालियर के लिए, और भूतल में अंडरपास बनाया जाएगा जिससे कानपुर से शिवपुरी आने जाने के वाहन गुजरेंगे। मैं तो अभी 3-3 मंजिले के फ्लाईओवर बना रहा हूं, चेन्नई में फ्लाईओवर 12,000 करोड़ का बना रहा हूं, नीचे में रोड, ऊपर में फ्लाईओवर, उसके ऊपर में फ्लाईओवर, उसके ऊपर में मेट्रो। नागपुर में मेरे शहर में मेरे मतदान क्षेत्र में पहली बार बना रोड, नीचे में, ऊपर में फ्लाईओवर, ऊपर में मेट्रो, अभी है। पुणे में बना रहा हूं और मैं योगी जी से अनुरोध करता हूं कि जहां ट्रैफिक ज्यादा है वहां मुझे बताइए, मैं 2 स्टोरी 3 स्टोरी के फ्लाईओवर उत्तर प्रदेश में भी बना के दूंगा।
झांसी के मेडिकल तिराहा पर अनुराग शर्मा जी के मांग पर ये भी फ्लाईओवर जो है उन्होंने मांग की थी 61 करोड़ के फ्लाईओवर को, उसका भी टेंडर निकला है, अप्रैल 2023 में इसका काम शुरू हो जाएगा। आरओबी और बीओपी के निर्माण में ललितपुर के कैलकुआ चौहारा पर वो भी मंजूर किया है। काफी बातें, समय की कमी है। महोबा में किडारी गांव में महोबा बांदा रेल लाइन पर 64 करोड़ की लागत से आरओबी निर्माण कराया जा रहा है। मुझे बहुत खुशी है कि जो जो सांसदों ने मांगे की थी वो लगभग पूरी हुई है। विशेष रूप से महत्वपूर्ण घोषणा जो है हमारे सांसद आर के पटेल जी, जो राम वनगमन चार लेन करने की जो घोषणा है उसमें बांदा के सांसद पटेल जी ने राम वनगमन मार्ग में इसको चित्रकूट में चार लेन करने की मांग की है, मैं उसको मंजूर कर रहा हूं, इसकी घोषणा कर रहा हूं। 258 किलोमीटर राम वनगमन मार्ग को चार लेन बनाए जाने की घोषणा के साथ साथ सबसे पहले चौड़ीकरण का काम चित्रकूट के तरफ किया जाएगा और इसके लिए 5000 करोड़ की लागत से कौशाम्बी जिले बिहार गांव से चित्रकूट तक 121 किलोमीटर फोर लेन किया जाएगा। उन्होंने अभी स्टेज पर मुझे फिर बताया कि चित्रकूट धाम में लोगों की बहुत आस्था है, बहुत अड़चन होती है, ट्रैफिक जाम होता है, मैं बाईपास की घोषणा कर रहा हूं क्योंकि यहां लोग कामतगिरी की परिक्रमा लगाने आते हैं। चित्रकूट में 200 करोड़ की लागत से 15 किलोमीटर चार लेन बाईपास बनाने को मैं मंजूर करने की घोषणा कर रहा हूं। अरतरा में 15 किलोमीटर चार लेन बाईपास बनाने की भी घोषणा मैं कर रहा हूं और महोबा में 18 किलोमीटर फोर लेन बाईपास बनाने की भी मैं घोषणा कर रहा हूं। प्रयागराज से मिर्जापुर चार लेन करने के लिए मैं निश्चित रूप से NH76E पर इस मार्ग के चौड़ीकरण से प्रयागराज और मिर्जापुर का यातायात होगा, उसकी भी घोषणा करता हूं। मुझे विशेष रूप से करवी बाईपास रामगंगा मार्ग में अभी सांसद जी ने कहा, पटेल जी ने, उसको भी मैं मंत्रालय में स्वीकृति दे दूंगा। फिर अतरा बाईपास, इसको एनुअल प्लान में सबमिट किया है, प्रस्तावित है, इसको भी मैं स्वीकृति दे रहा हूं। फिर जो हमारे कार्य में विशेष रूप से मंत्रालय में जो आरओबी है आपका, उसके लिए सीओए सेतु स्वीकृति के लिए वो भी शीघ्र दी जाएगी, ये भी बात मैं घोषित कर देता हूं। मुझे बहुत खुशी है कि उत्तर प्रदेश लगातार विकास कर रहा है। उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में इंडस्ट्री आ रही है, सिंचाई बढ़ रही है और हमारे देश में इसका बहुत बड़ा महत्व है। देश के विकास का जो मापदंड होता है उसको GDP कहते हैं, सकल उत्पन्न। हमारे देश में 12% सकल उत्पन्न GDP केवल एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है और जो लोक संख्या आबादी है वो 65% हमारे खेती पर निर्भर है। हमारे देश में 22% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से GDP कंट्रीब्यूट होती है और 52-56% ये सर्विस सेक्टर से आती है। पर मुझे याद है कि मैं वाटर रिसोर्सेज मंत्री था तब केन बेतवा ये महत्वपूर्ण प्रकल्प योगी जी और शिवराज जी के साथ मैंने चर्चा करके मार्ग निकालने की बहुत कोशिश की थी। मुझे आज खुशी है कि आज दोनों राज्यों में इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग हो गया है और जिसके कारण उत्तरा विशेष रूप से बुंदेलखंड सुखी समृद्ध और संपन्न बनेगा, यही मेरा विश्वास है। हम लोग उत्तर प्रदेश में करीब 1.5 लाख करोड़ के 10 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं और मैं और एक विश्वास देना चाहता हूं कि योगी जी ने जो 2 एक्सप्रेस हाईवे बनाए हैं, जैसे आगरा तक उत्तर प्रदेश में दिल्ली से आगरा आया है, मैं अब आगरा से ग्वालियर भी एक द्रुतगति महामार्ग बना रहा हूं और इसके साथ साथ बुंदेलखंड एक्सप्रेस हाईवे को और हमारे गोरखपुर जाने वाले पूर्वी उत्तर प्रदेश की हाईवे को जहां जहां कनेक्टिविटी लगेगी और योगी जी हमको कहेंगे उस सब जगह पर उसको जोड़ने के लिए NHAI मदद करेगी, ये भी विश्वास मैं इस समय देता हूं। बहनों और भाइयों, योगी जी ने हमारे पास मांग की थी विशेष रूप से 41,000 करोड़ के 40 बाईपास और रिंग रोड को मैं मंजूरी दे रहा हूं। कानपुर में 6 लेन ग्रीनफील्ड रिंग रोड 93 किलोमीटर 10,000 करोड़, गोरखपुर में 4 लेन ग्रीनफील्ड रिंग रोड 27 किलोमीटर 2100 करोड़,
लखनऊ में 4 लेन ग्रीनफील्ड रिंग रोड 105 किलोमीटर 4500 करोड़, अयोध्या में 4 लेन ग्रीनफील्ड रिंग रोड 67 किलोमीटर 5000 करोड़, प्रयागराज में 4 लेन ग्रीनफील्ड रिंग रोड 65 किलोमीटर 7000 करोड़, जौनपुर में 4 लेन ग्रीनफील्ड रिंग रोड 27 किलोमीटर 1000 करोड़, आगरा में 6 लेन रिंग रोड 8 किलोमीटर 838 करोड़, मिर्जापुर में 4 लेन बाईपास का निर्माण 21 किलोमीटर 700 करोड़, रायबरेली प्रयागराज मार्ग में ग्रीनफील्ड बाईपास का निर्माण 24 किलोमीटर अक्रॉस 1100 करोड़, रायबरेली जौनपुर मार्ग में 800 करोड़, सुल्तानपुर लखनऊ मार्ग में 650 करोड़, रायबरेली लखनऊ मार्ग में 500 करोड़, देवरिया में 4 लेन बाईपास का निर्माण 600 करोड़, कानपुर में नवाबगंज में 20 किलोमीटर 600 करोड़, गोंडा में 4 लेन बाईपास का निर्माण 500 करोड़, रायबरेली में 4 लेन रिंग रोड 450 करोड़, संत कबीर नगर जिले में 14 किलोमीटर 400 करोड़, सरोही बाईपास, बस्ती में कलवारी में बाईपास का निर्माण 400 करोड़, रामपुर में 4 लेन बाईपास का निर्माण 364 करोड़, बस्ती में 4 लेन रिंग रोड का निर्माण 350 करोड़, प्रतापगढ़ में 4 लेन 309 करोड़, बलरामपुर में 4 लेन बाईपास का निर्माण 250 करोड़, महाराजगंज में 4 लेन 15 किलोमीटर 250 करोड़, मछली शहर में 10 किलोमीटर 250 करोड़, सिद्धार्थनगर जिले में शोहरतगंज में बाईपास 8 किलोमीटर 200 करोड़, अमेठी में 4 लेन बाईपास 200 करोड़, चित्रकूट धाम में करवी में 200 करोड़, गोरखपुर जिले में फरिंदा में 4 किलोमीटर 200 करोड़, संत कबीर नगर में 200 करोड़, प्रयागराज जसरा में 125 करोड़, जायस टाउन में बाईपास 110 करोड़ और महोबा बाईपास 75 करोड़, ऐसे 41,000 करोड़ के रिंग रोड में मंजूर कर रहा हूं। मेरी समस्या यह है कि टाइम कम है, अगर मैं बताने जाऊंगा तो और 2 घंटे लगेंगे, पर आप चिंता मत करिए, मैंने वादा किया है और मैं उन नेताओं में से नहीं हूं, अगर मैं कहूंगा तो डंके की चोट पर पूरा करके दूंगा। अभी मैंने अनुराग शर्मा जी के प्रपोजल पर कहा यह काम हो नहीं सकता और मैं कर नहीं सकता, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूं और इसलिए आपको वचन देता हूं कि 2024 समाप्त होने के पहले बुंदेलखंड के और उत्तर प्रदेश के रोड नेशनल हाईवे अमेरिका के बराबर बनेंगे ही। आप भूल जाओगे पुरानी यादों को, ऐसे रोड बना देंगे कि आप कभी कल्पना नहीं कर सकते, लोगों का विश्वास नहीं बैठता। जब मेरठ का हाईवे बना तो 4.5 घंटे लगते थे, मैं कहता था 45 मिनट में होगा, तो पत्रकारों ने उसके ऊपर बॉक्स निकाला ये क्या बोल रहे, और आज 40 मिनट में लोग आते हैं। दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में, इतना ही नहीं तो दिल्ली से चंडीगढ़ 2.5 घंटे में, दिल्ली से डेहराडून 2 घंटे में, दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में, दिल्ली से कटरा 6 घंटे में, दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में और चेन्नई से बेंगलोर 2 घंटे में, और कल ही प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया बेंगलोर से मैसूर 1 घंटे में। और जितने नाम मैंने गिनाए ये तो फिल्म के पहले का ट्रेलर है, असली फिल्म शुरू होना, बस तुम एक ही काम करो, डबल इंजन को लगा दो, ताकत दो और देखो कैसे होगा। एक तरफ योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विकास करेगा, गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण होगा, और दूसरी तरफ मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान विश्व की नंबर 1 की ताकत बनेगा, वर्ल्ड की नंबर 1 की इकोनॉमी, सुपर इकोनॉमी, आत्मनिर्भर भारत, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी। और मुझे लगता है कि तब हमारा किसान केवल गेहूं चावल और चना पैदा करने वाला नहीं रहेगा। मैं किसान हूं, किसानों में काम करता हूं, 3 चीनी मिले चलाता हूं, बहुत किसानों में मैं पूरा काम करता हूं। बहनों और भाइयों, इस देश का किसान केवल अन्नदाता नहीं रहेगा, इस देश का किसान ऊर्जा दाता होगा। अभी पेट्रोल डीजल गैस हम इंपोर्ट कर रहे हैं 16 लाख करोड़, इसमें से 10 लाख करोड़ किसानों के जेब में जाएंगे,
गांव के युवाओं के हाथों को रोजगार मिलेगा। अब केवल स्मार्ट शहर नहीं, स्मार्ट सिटी नहीं, स्मार्ट विलेजेस बनेंगे, यही हमारा सपना है। मुझे बहुत खुशी है कि योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश प्रगति और विकास की ओर तेजी से आगे जा रहा है। हमारे मुंबई में उत्तर प्रदेश से बहुत लोग आते थे, परसों मैंने एक को कहा कि अब मुंबई से उत्तर प्रदेश के लोग धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में जाएंगे, क्योंकि मुंबई से भी अच्छी सहूलियत, अच्छा रोजगार मोदी जी ने और विशेष रूप से योगी जी ने उत्तर प्रदेश में तैयार किया है, यही हमारे कार्य की विशेषता है। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। यहां का पर्यटन 2 गुना 3 गुना बढ़ेगा। पर्यटन ऐसा क्षेत्र है कि जिसमें 49% कैपिटल इन्वेस्टमेंट रोजगार निर्मिति पर खर्चा होती है। आपको रोजगार निर्माण करना, युवाओं के हाथों को काम देना, किसानों को उनके फसल के सही दाम देना, गरीबी को दूर करना और देश को सुखी समृद्ध संपन्न और शक्तिशाली एक दुनिया की महाशक्ति बनाना, यही भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत है और यही हमारा सबका मिशन है। और इसीलिए आज राजा छत्रसाल बुंदेला जी की इस पवित्र धरती पर छत्रपति शिवाजी महाराज और राजा बुंदेला जी का स्मरण करते हुए आप सबके सहयोग से नए भारत का निर्माण होगा और निश्चित रूप से दुनिया में हम आगे ही निकलते रहेंगे, यही विश्वास व्यक्त करते हुए आप सबको बहुत बहुत बधाई देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार। मेरे साथ कहिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।